मैं शुरू से ही हॉलीवुड और हिस्टोरिकल मूवीज देखता हूँ, तो वहीं से एक दिमाग में था कि क्या क्या होता है। तो जो आपने देखा होगा रोड पे वो बैठे होते हैं ना, बागड़िए टाइप बैठे, मैंने वो सैंपल्स उनसे तैयार कराए और मेरा फर्स्ट ऑर्डर वाज फॉर माय मेडिवल आर्मर्स इन 96। सो वी आर डूइंग दिस बिजनेस फॉर लास्ट 30 ईयर्स एंड वी डू एक्सपोर्ट द नॉटिकल आइटम्स, द मैरीन आइटम्स, हैंडीक्राफ्टेड एंड द मूवी प्रॉप्स। तो मैंने मुंबई से MBA कर रहा था, वहाँ करते करते मैंने चोर मार्केट में देखा कि काफ़ी सामान बिकता है। एक सनडायल कंपास थी, उसका मेरा पहला सबसे पहला ऑर्डर था, जो आज तक मेरी चल रही है वो सनडायल कंपास, करीब 800 के करीब हर पीस हर महीने बिक जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आए, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ग्लेडिएटर, ट्रॉय एंड गेम ऑफ थ्रोन्स। उन कारीगरों को ढूंढ के लाना, उनको मोल्ड करके सिखाना उसको ये कैसे बनाना, तो मैं पहले उसको पैटर्न्स तैयार करता हूँ गत्ते से, पेपर से या फिर किसी भी चीज़ से, जिससे इजी हो जाए उनको समझना। वो पैटर्न्स उनको बना के देना, फिर उनको समझाना है कैसे उनको हैमर करना है, कैसे उनको रिविटिंग करना है, कैसे पॉलिशिंग करना है, और उसके बाद उसको एग्जैक्ट वही चीज़ लेके आना कि पहनने के बाद लगे कि हाँ रियली में स्पार्टन्स खड़े हुए हैं। क्रिएटिविटी प्लस क्राफ्ट, वो हमारे यहाँ हमें यूनिक बनाता है। हम लोग का सबसे बड़ा काम तो US मार्केट में है, तो US का है, पूरा यूरोप है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है और गल्फ में है। हम लोगों के अपने ऑफिसेज हैं, US में वेयरहाउस है, UK में वेयरहाउस है एंड दुबई में हम लोगों का अपना ऑफिस है। हम मैंने 2001 में अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, जब किसी को पता भी नहीं था, अमेजोन और ईबे से स्टार्ट किया था। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक पार्टनर चाहिए होता है। हम लोगों का बिजनेस इंडिया में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट का है, और एक स्ट्रांग डिलीवरी पार्टनर हो तो उससे बेटर कुछ नहीं होता है। 2001 में DHL का पूरे यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं था, और 2001 से आज तक का 18 ईयर्स का सफ़र हमारा DHL का, और DHL के 48 सेंटर्स हैं पूरी इंडिया में, जिसमें एक सेंटर रुड़की में है। रुड़की एक बहुत छोटा सा सिटी है, 1.5 लाख की पॉपुलेशन है, और उसमें एक DHL का सर्विस सेंटर, इसका मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और वही बता देता है कि हम कितने वैल्यू रखते हैं DHL के साथ। DHL की वजह से हमें अपने बिजनेस में 80% सपोर्ट मिली है। तो मैं न्यू कमर्स जो भी आते हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं जो ई कॉमर्स काम करना चाहते हैं, तो मैं तो रिकमेंड करना चाहता हूं कि DHL जैसी एक एसोसिएशन बनाए जैसी मैंने बनाई हुई है। इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ऊपर वाले ने पहुंचाया है, तो अब यही प्लानिंग है कि कुछ इस तरीके से काम को किया जाए, इसी काम को बढ़ाया जाए कि हमारे बच्चे और फिर आगे की जो भी जनरेशन है वो इसी काम को उस ऑनर के साथ देख सके जैसे हम खुश होते हैं आजकल हॉलीवुड मूवी में देख के या फिर TV पर देख के अपनी चीज़ों को।